जैसा कि हमने फोर्टी बैरोमीटर को पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बेसिकली मर्करी बैरोमीटर में एक टोरसाइल वैक्यूम कंडीशन क्रिएट हो जाती है इन द अपर एंड ऑफ दी मर्करी ट्यूब विच इज़ प्लेस इन्वर्टेड इन द मर्करी टब अब थ्योरेटिकली यहाँ पर टोरसाइल वैक्यूम क्रिएट होता है मीन्स कि मर्करी जब फॉल करता है एक पर्टिकुलर हाइट तक तो उसके बाद ऊपर वैक्यूम बन जाता है बट एक्चुअल में यहाँ पर कोई ना कोई इम्प्योरिटी रहती है क्योंकि कुछ भी परफेक्ट वैक्यूम जैसी कंडीशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाती इस ट्यूब में अब यहाँ पर फॉल्टी बैरोमीटर उसी बैरोमीटर को बोला जाता है जिसमें ये परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए हमारे पास एक आइडियल बैरोमीटर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी वेपर्स एयर ऐसा कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट हो सके सो so, उस कंडीशन में जो एटमोस्फिर प्रेशर है दैट शुड बी 760 सिक्सटी एम एम ऑफ मरकरी कॉलम इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी जब फॉल करेगा इस ट्यूब में तो वो 760 सिक्सटी mm एम की रीडिंग पर 76 सिक्स सेंटीमीटर की रीडिंग पर आकर रुक जाएगा अब एज्यूम कीजिए कि आप एक फोल्टी बैरोमीटर को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ़ एन आइडियल बैरोमीटर तो उस केस में यहाँ पर लेट से वाटर वेपर्स या एयर प्रेजेंट है जिसको हम गैस का नाम दे रहे हैं यहाँ पर उस गैस की प्रेजेंस की वजह से एक प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेट से उस प्रेशर को हमने पी गैस बोला है इस प्रेशर की वजह से मर्करी अपनी आइडियल हाइट पर ना रहकर उससे ज्यादा नीचे गिर जाएगा और इसी वजह से यहां पर रीडिंग mm तो में, में रखेंगे बिकॉज 760 स्टैंडर्ड रीडिंग को ये 740 शो करेगा सो so अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एरर को मेजर करना बिकॉज जब तक आप फॉल्टी बैरोमीटर के एरर को नोट नहीं करेंगे आपकी रीडिंग जो है सो so, आज हम इन्हीं डिफरेंट केसेस स्टडीज को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एक रेफरेंस बैरोमीटर की हेल्प से फॉल्ट बैरोमीटर की एयर कॉलम की हाइट को निकालेंगे एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्रेशर इन साइड द एयर कॉलम सो डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ एयर कॉलम यूजिंग मर्करी कॉलम मैथड अब जो पहला केस है उसमें हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ट्यूब को एस्टेब्लिश करना होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी फॉल्ट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे सो लेट अस स्पोज ये हमारी स्टैंडर्ड ट्यूब है जिसमें एयर कॉलम की जो हाइट है वो एच सेंटीमीटर है विच इज वेल नोन और एक्स सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जिसका एक ओपन एंड है और यहाँ से एयर प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से मरकरी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर रुक जाएगा

और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इक्लीवीरियम कंडीशन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर इक्वल ऐसा अगर होगा तो पी ए टू मर्क्री कॉलम सॉरी फोर्स ड्यू टू एयर कॉलम शुड बी इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और इस वजह से पी ए शुड बी इक्वल्स सिक्स एम एम ऑफ मर्करी सो यहाँ से पी हमारे पास रीडिंग आ जाएगी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास प्रेशर की अब मानते हैं कि हमारे पास एक फॉल्टी बैरोमीटर है एक फॉल्टी कॉलम है जो वर्टिकली प्लेस्ड है सच दैट कि उसका जो ओपन एंड है वो अपवर्ड है ओके okay, जैसा कि कि आप देख सकते हैं लेट अस से पर एयर फील्ड है एज एन इम्प्योरिटी जिसकी हमें एक पर्टिकुलर हाइट मेजर करनी है कि किस हाइट तक जो है मरकरी यहां पर फॉल कर रहा है ड्यू टू दिस एयर कंट्रीब्यूशन जो एयर प्रेशर है उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ना कि एक्चुअल एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से सो so, यहाँ पर तीन तरह के फोर्सेस हैं जो एक्ट करेंगे एक एटमोस्फेरिक प्रेशर जो डाउनवर्ड लगेगा मरकरी कॉलम पे दूसरा मरकरी की वजह से उसका फोर्स, वेट ऑफ जो डाउनवर्ड लगेगा एयर इन साइड विल एक्सर्ट अ प्रेशर इन डायरेक्शन विच मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्स एक्सटेड बाय मरकरी कॉलम एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर कोलेक्टिवली जो एयर कॉलम है उसकी हाइट है एल एंड मर्करी इज एक्स सेंटीमीटर इन हाइट सो मर्करी की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्स ए डी जी क्यों क्योंकि प्रेशर होता है एच रो जी प्रेशर ड्यू टू फ्लूड इज एच रो जी और साथ ही साथ अगर आपके पास ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन प्रेशर इन टू एरिया इज थ्रस्ट विच इज़ द फोर्स सो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि जो मर्करी कॉलम है वो आपके पास जो so फोर्स लगाएगा यहां दैट शुड बी एक्स ए डी जी अब एटमोसफेरिक प्रेशर हुआ पी ए टी एम और उसकी वजह से लगने वाला फोर्स हो जाएगा पी ए टी एम ए इसी तरह से एयर कोलम जो फोर्स एग्जर्ट करेगा दैट विल बी पी वन ए सो इक्रीबिर में जो एयर कोलम का फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सिस ड्यू टू एटमोस्फेयरिक प्रेशर एज वेल एज मर्क्री कोलम तो इसका मतलब हो गया पी वन ए मस्ट बी इक्वल टू सेवेंटी सिक्स ए डी जी अगेन एच ए रोजी प्लस एक्स ए डी जी जो फोर्स है ड्यू टू मर्क्री कोलम

और इसकी वजह से आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी 76 स्टैंडर्ड प्रेशर था यहाँ पर प्लीज यहां पर इस पी वन से और इस पी वन से कंफ्यूज मत हुए हो, हो, होना ये पी वन जो है वो लास्ट स्लाइड का है जो स्टैंडर्ड हमने एज्यूम किया था ओके okay? सो so, 76 सिक्स इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंटू एच इंटू ए इज वॉल्यूम सो यहां से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगर आपको ये एच कैलकुलेटेड है रेफरेंस ट्यूब में अगर आपने देखा होगा मैंने इस हाइट को इस एल की जगह हमने हाइट रखी थी एच तो अगर मुझे ये हाइट है तो एच की हाइट वैल्यू पुट करके मैं यहां से अपनी जो है एल निकाल सकता हूं विच इज हाइट ऑफ द एयर कॉलम इन दी पैरामीटर सो दट आर रिक्वाड इन टू फाइंड इज दाइट ऑफ एयर कॉलम इन द रेफरेंस ट्यूब एंड दस वी कैन डिटरमाइन देंथ ऑफ अनोन एयर कॉलम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए सेम एग्जाम्पल है देखिए वही अरेजमेंट है ओपन एंड अपवर्ड है वर्टिकली प्लेस किया गया है ट्यूब को यहां पर आपने पी वन की जगह पी टू एज्यूम कर लिया है एयर कॉलम को ताकि ईजी रहे पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू में पी वन हम रेफरेंस को लेकर चलेंगे और पी टू डेजिग्नेशन यानी कि जो सब्सक्रिप्ट टू है दट विल बी यूज फॉर योर कॉलम अब यहाँ पर एल इज द अननोन हाइट जो आपको मेजर करनी है टेन सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हैं हम जो है मर्किरी कॉलम की हाइट है रेफरेंस जो ट्यूब हम लेंगे उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास हाइट है मरकरी की 10 और जो एयर कोलम है रेफरेंस ट्यूब में दैट इज 7 सेंटीमीटर अब फिर से वही केस जो एक्सप्रेशन आपके पास आई थी 76 सिक्स प्लस टेन ए वाली उसकी हेल्प से यहां पर हमारे पास डाटा बन जाएगा पी टू एक्वल्स टू एटी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कोलम ठीक है अब ये जो प्रेशर लगेगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दी प्रेशर मेजर्ड बाय रेफरेंस ट्यूब अंडर ऑर्डनरी कंडीशन सो बॉयला अप्लाई करेंगे और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहां से पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू में सेवेंटी सिक्स इंटू ये है एच स्मॉल एच जिसे हमने बोला था लास्ट स्लाइड में सो सेवेंटी सिक्स इंटू सेवन इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू एटी सिक्स इंटू एल इंटू ए और यहां से आप एल निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी सिक्स पॉइंट वन एट सेंटीमीटर सो बेसिकली ये आपके पास लेंथ हो गई इस एयर कॉलम की और इस एयर कॉलम में जो प्रेजेंट है आपके पास एयर उसी की वजह से यह पैरो एक फॉल्स रीडिंग देगा जिसकी वजह से आप इसे फॉल्टी की कैटेगरी में रखेंगे अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हम इस ट्यूब को एग्जैक्टली exactly अपोजिट रखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड विद ओपन एंड इस केस में क्या होगा देखिए सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी लेकिन द ओनली डिफरेंस विल बी पिछले केस में हम क्या कर रहे थे कि एयर इनसाइड द लिक क्विड कॉलम एयर इनसाइड द मरकरी कॉलम जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा था वो काउंटर बैलेंस कर रहा था मरकरी से और एटमोस्फेरिक प्रेशर से लेकिन अब क्या होगा अब क्योंकि प्लेस आपने इनवाइटेड रखा है ट्यूब को तो उस वजह से क्या होगा एयर और मरकरी कॉलम कलेक्टिवली वेट एग्जर्ट करेंगे जो काउंटर बैलेंस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब समझ रहे हैं पिछली बार इन दोनों को ऐड किया जा रहा था और इसके इक्वल रखा जा रहा था और इस बार इन दोनों को ऐड किया जाएगा और इसके फोर्स के इक्वल रखा जाएगा, सो so, वही हम बात कर रहे हैं सो बेसिकली एक्सप्रेशन सेम ओनली डिफरेंस विल भी अगर आपको याद हो यहां पर हमने लिया था सेवेंटी सिक्स ए डी जी प्लस टेन ए जी क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास दोनों ही यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर और मर्करी कॉलम काउंटर बैलेंस कर रहे थे फोर्स ड्यू टू एयर

सो so, अगर आप एक केस को समझ लेते हैं तो बाकी सभी केसेस आप इजीली कर सकते हैं द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि टोटल फोर्सेस कौन कौन से एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं अब इसी तरह से थर्ड केस देखिए मान लीजिए कि आपकी जो ट्यूब है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर है जैसे हमने इस केस में दिखाया है कि जो ट्यूब है वो थर्टी डिग्री एंगल बना रही है होरिजोन के साथ तो इस केस में जो फोर्स लगेगा एयर कॉलम की वजह से उसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे कोस कॉम्पोनेंट एंड साइन कॉम्पोनेंट और यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा साइन कॉम्पोनेंट तो उस वजह से जो डिफरेंस है अब देखिए यहां पर अभी भी एयर प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर और मरकरी कॉलम एड हो जाएंगे केस वन की तरह और वो काउंटर बैलेंस होंगे एयर कॉलम इनसाइड साइड द ट्यूब की वजह से तो इसका मतलब एक्सप्रेशन फिर से क्या बनेगी पी थ्री एक्वल्स टू सेवेंटी सिक्स प्लस टेन साइन थर्टी ए डिग्री यहां साइन थर्टी क्यों लिया है? बिकॉज ये आपका जो फोर्स लगेगा एयर कॉलम की वजह से दैट मस्ट बी रिजोल्व इन टू पार्ट्स कौन सा वाला ये वाला ओके सो पी थ्री ए इक्वल्स टू सेवेंटी सिक्स प्लस टेन साइन थर्टी डिग्री प्लस

So, इसके लिए क्या होगा देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि कितने तरह के फोर्सेस इस बैलून पे एक्ट कर रहे हैं so, एक तो बैलून एक तो लगाया वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसका अपना वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा और जो गैस फिल करिए आपने इस बैलून में जिसकी वजह से बैलून राइज करेगा उसका भी अपना वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टोटल so, तीन ऐसे वेट हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे और इनको काउंटर बैलेंस करेगा फ्लूड एयर का बायो फोर्स आपको पता है फ्लूड्स की एक टेंडेंसी होती है अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करने की जिसे हम बायोड फोर्स बोलते हैं सो so, अब बैलून को अगर आपको राइज कराना है ऊपर तो वो तभी पॉसिबल है जब इन तीनों का सम कम होगा वैल्यू में कंपेयर टू बायो फोर्स So, आपको ऐसे फैक्टर्स पे वर्क करना होगा जिससे फोर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो और इन तीनों फैक्टर्स का इन तीनों वेट्स का जो सम है वो कम हो ताकि आपका बैलून अपवर्ड राइज कर सके वाइस वर्सा अगर आपको बैलून को लैंड कराना है तो आपको जो है वेट को इंक्रीज करना होगा और बाय फोर्स को कम करना होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन तरह के फोर्स हमारे पास एक्ट करेंगे पहला जो फोर्स होगा वो होगा मास

एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो H और A मिलकर आपको दे देगा वॉल्यूम तो आपको प्रेशर मिल जाएगा बेसिकली कितना D मीस डेंसिटी आप रो भी लिख सकते हैं इन टू वॉल्यूम इन टू जी वही एक्सप्रेशन हमने यहां पर यूज की हुई है अब देखिए टोटल फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से हैं एक तो हमारा पेलोड है दूसरा वेट ऑफ बैलून मटेरियल, तीसरा क्या है वेट ऑफ एयर फील्ड इनसाइड द बैलून और ये तीनों किससे काउंटर बैलेंस होंगे बाइंड फोर्स ड्यू टू

एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ें इस एक्सप्रेशन को ध्यान से आप अगर देखें अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूंगा बैलून का तो मेरा ये फैक्टर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से मैं ज़्यादा पे जो है कैरी कर सकता हूँ बैलून से और वही हमने यहाँ लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द पे लोड वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम सेकेंडली अगर आप गैस के मोलिकुलर वेट को बढ़ाएंगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा ओके okay. गैस का वेट बढ़ने की वजह से जो सेकंड फैक्टर है एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन के सेकंड फैक्टर की डोमिनेंसी होने की वजह से पूरा का पूरा पेलोड जो आप कैरी कर सकते हैं वो कम हो जाएगा तो यानी कि गैस लाइट से लाइट होनी चाहिए जैसे आप हीलियम का यूज कर सकते हैं ठीक है हीलियम एक इनर्ट गैस है और इसीलिए जो है आप वेदर बैलून्स में हीलियम का यूज भी करते हैं ठीक है इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर फैक्टर जितना आप गैस का टेम्परेचर राइज करेंगे गैस एक्सपेंड होने लगेगा ठीक है और उसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर राइज होने से फिर से ये फैक्टर कम होने लगेगा और रिजल्टेंट आपका पेलोड बढ़ेगा इसी फैक्टर का हम यूज करते हैं अपने हॉट एयर बैलून्स में आप जितना गैस को इनसाइड जो है जो एयर फिल की होती है आपने उसको जितना आप हीट करते हैं हॉट एयर उतना ही जो है बैलून को अपवर्ड राइज करने में हेल्प करती है